वी शैल लर्न नाउ प्रीटेस्ट पोस्टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। यदि हम इसको एनालाइज करें तो एक तो ये क्लियर है कि देर इज ए प्रीटेस्ट, देर इज पोस्टेस्ट एज वेल एंड देर इज ए कंसेप्ट ऑफ कंट्रोल ग्रुप। इट मीन्स देर इज ए कंसेप्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एज वेल। सो इफ वी complete the design, then we can have like this. एक तो group जो हमारा होगा, और फिर groups के बाद pre-test भी है, तो pre-test. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हाँ हम लोग independent variable या treatment को रखते हैं, so independent. You can also write treatment. And since we have post-test, so post-test. अच्छा हमारे पास ग्रुप, एक तो रैंडमाइजेशन है, ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन तो रैंडमाइजेशन है, तो रैंडमली सेलेक्ट कर लिया हमने एक ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप रैंडम सेलेक्ट कर लिया। ऊपर आप एक्सपेरिमेंटल ही लिखें क्योंकि हमारा ट्रेंड रहा है कि हम ई को ऊपर ही लिखते हैं, मतलब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। सो आर आर पोस्ट में इसको डालिए और यहाँ एक्सपेरिमेंटल और यहाँ कंट्रोल, मतलब हमने रेंडमाइज किया ग्रुप को, दो ग्रुप, और तब उसी में से किसी एक को सेलेक्ट कर लिया। दैट इज ऑल्सो नॉट बाई चॉइस, दैट इज दैट मे ऑल्सो बी ए रैंडम। इसको कंट्रोल रखेंगे, इसको ये रखेंगे, उसमें भी ध्यान रखना पड़ सकता है। सो एंड प्रीटेस्ट, प्रीटेस्ट को हम लोग इंडिकेट करते हैं किस चीज, वाई से, वाई वन से करते हैं प्रीटेस्ट को। तो ये टेस्ट, इसको प्री टेस्ट इसको दिया और फिर इसको भी प्री टेस्ट दिया, मतलब दोनों का वाई वन रिप्रेजेंट्स फॉर प्री टेस्ट, मतलब रैंडमली सेलेक्ट किया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एक को माना, एक को कंट्रोल ग्रुप माना, दोनों का प्री टेस्ट लिया। और तब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग ट्रीटमेंट जो देते हैं या इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो इफेक्ट होता है वो सिर्फ एक्सपेरिमेंटल पे है। और फिर Y2, और फिर Y2 का डिफरेंस, मतलब Y2 माइनस Y1 का डिफरेंस, Y2 माइनस Y1 का डिफरेंस, और इस दोनों का डिफरेंस। सो वी शैल लर्न दो द बेसिक ऑफ द कंसेप्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन, एंड दिस इज द बेसिस, this is the diagram. So the design, this design is also called as, ये भी आपको याद रखिए, classical controlled experimental design. पूरा मैं लिखूंगा नहीं, classical controlled experimental design, मतलब this is also called as classical controlled experimental design. And the again there is also, it is being called as randomized pre-test post-test design. Randomized pre-test post-test design. Pre-test post-test control group design. Classical controlled experimental design. Randomized pre-test post-test design is the same. So there are three names from which it is being studied. तो एक तो ये पहला कि तीन नाम हमने जाना, डायग्राम से हमने समझ ही लिया है कि डिजाइन कर क्या रहा है। Now we shall explain. This design controls the assignment of subjects.
सब्जेक्ट को जो ग्रुप में बांटते हैं उसी को असाइनमेंट कहते हैं, असाइन टू द सर्टेन ग्रुप, टू एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स थ्रू द यूज ऑफ रैंडमाइजेशन प्रोसेस, एंड सिंस रैंडमाइजेशन इज देयर सो इट इज ए ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन. दिस रैंडमाइजेशन प्रोसेस अश्योर्स दैट ऑल सब्जेक्ट्स हैव द सेम चांस ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन द एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप. यू कैन पिक इट इजिली. ड्यू टू अ स्ट्रिक्ट रैंडम असाइनमेंट ऑफ सब्जेक्ट्स इट इज अज्यूम्ड दैट बोथ द एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप आर इक्विवेलेंट ऑन द रिलेटेड डायमेंशंस. इट इज ड्यू टू दिस इक्विवेलेंस ऑफ कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप इट इज अश्योर्ड दैट देर आर नो सिस्टमेटिक डिफरेंसेस बिटवीन द टू ग्रुप्स. एज वी हैव डिसाइडेड टू randomly select both the groups, experimental and control, and due to this we can claim that both these groups, whether it is experimental group or control group, is equivalent. इनमें कोई difference नहीं है at the beginning. तो ये चीज हम लोगों ने assure कर लिया है कि अब जो भी डिफरेंस यदि आता है बाद में तो दैट विल बी ओनली ड्यू टू द ट्रीटमेंट एंड दैट विल बी द इफेक्ट ऑफ द ट्रीटमेंट. बोथ द एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स एक्सपीरियंस द सेम कंडीशंस एक्सेप्ट द ट्रीटमेंट टू बी गिवन टू द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ओनली. अब यहाँ हम लोगों ने ये श्योर कर लिया कि ये सेम है, यहाँ प्रीटेस्ट भी है और फिर एश्योर हो गया कि ट्रीटमेंट के अलावा बाकी सारे कंडीशंस दोनों के लिए सेम है. कंट्रोल ऑफ ऑल अदर कंडीशंस अंडर विच द एक्सपेरिमेंट टेक्स प्लेस इज टेकन केयर ऑफ. वो आप जान रहे हैं कि एक्सपेरिमेंटेशन में ध्यान रखना पड़ता है इन ऑर्डर टू इंक्रीज द इंटरनल वैलिडिटी ऑफ द एक्सपेरिमेंट. इट इज एश्योर्ड इन एवरी रेस्पेक्ट दैट नथिंग बट द इंटरवेंशन ऑफ द इंडिपेंडेंट दैट इज ट्रीटमेंट variable is assumed to produce the observed change in the values of the dependent variable. अब ये हम लोगों ने इस तरह से डिजाइन किया कि हम इस विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि अब जो भी अंतर होगा दोनों ग्रुप में that will be only due to the effect of the treatment. और जो dependent variable में change आएगा due to the manipulation of independent variable, that is only due to the treatment. So that is the effect of the treatment. यदि हम ये step की बात करें तो इसमें वैसे तो आपने सारा step समझ ही लिया. ये इससे कि random assignment of subjects to both the experimental and control group randomly select किया. Administration of the pretest, दूसरा step, administration of the pretest to all subjects in both the experimental and control group. दूसरा स्टेप, मेंटेनिंग सेम कंडीशन फॉर बोथ द ग्रुप्स द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ओनली इज गिवन ट्रीटमेंट. तीसरा स्टेप. चौथा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पोस्ट टेस्ट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स इन बोथ द एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप डिजाइन कंट्रोल ग्रुप्स. असेसमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ चेंज ऑन द वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम द प्रीटेस्ट टू द post test for each group separately. Difference between experimental group and control group is post test if it exists due to the treatment and its effects. मतलब हम step के बात करें तो पहला randomization, दूसरा pretest, तीसरा treatment, चौथा testing, फिर difference और difference का difference. And if there is any effect due to treatment, the control group, the experimental group excels, it is being assumed that the, not assumed, but it is assured that the difference is only due to the treatment. So, इस तरह से आपने उसके प्रोसेस को समझ लिया कि पहले
रैंडमाइज करेंगे, फिर प्री टेस्ट करेंगे, फिर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को ट्रीटमेंट देंगे, फिर पोस्ट टेस्ट करेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा उनके डिफरेंस को देखेंगे, और फिर हम ये फाइंड आउट कर लेंगे कि वेदर देयर इज एनी इम्पैक्ट ऑफ ट्रीटमेंट और नॉट। तो दिस इज द सिंपल प्रोसेस। इट इज सोफिस्टिकेटेड एज इट फॉलोज द नेसेसरी स्टेप्स ऑफ रैंडमाइजेशन। अब इनकी मैं थोड़ी सी तारीफ कर रहा हूँ। इक्वेटिंग द ग्रुप्स थ्रू प्री टेस्ट, एक इसकी खासियत हो गई। कंट्रोलिंग ऑल अदर कंडीशन एक्सेप्ट ट्रीटमेंट टू द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एज द सेम, मतलब किसी तरह की एक्सट्रेनियस वेरिएबल की तरफ इशारा है कि सबको हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं। इम्प्लॉइंग पोस्ट टेस्ट टू बोथ द ग्रुप्स एंड फाइंडिंग द इफेक्ट ऑफ द ट्रीटमेंट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल बाय डिफरेंशिएटिंग एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ द पोस्ट टेस्ट। पोस्ट टेस्ट का मतलब है कि पोस्ट टेस्ट और प्री टेस्ट के बीच का डिफरेंस, वो आगे हम और क्लियर करें। इट नीड्स कंट्रोल कंडीशंस एंड सोफिस्टिकेशन दो इट फॉलोज ए डिफाइंड प्रोसीजन विच इज साइंटिफिक। साइंटिफिक प्रोसेस लिए हमने स्टेप्स के बारे में बात की। मैचिंग इज बीइंग एम्प्लॉयड इन स्टीड ऑफ रैंडमाइजेशन टू हैव एन अनदर डिजाइन। बहुत सारे डिजाइन में यहाँ हम लोगों ने क्या किया कि रैंडमाइजेशन कर रहे हैं। बहुत सारे किसी ग्रुप डिजाइन में सिमिलर डिजाइन यदि है तो रैंडमाइजेशन को ये करके हटा के हम मैचिंग भी लोग कर सकते हैं। सो देयर इज ए डिजाइन वेरी सिमिलर टू दिस डिजाइन। हालांकि हमने कहा कि शुरू में कि थोड़ा भी डिफरेंस करेंगे तो डिजाइन के नाम में और डिजाइन के काम में बदलाव हो जाएगा, लेकिन बाकी सारी चीजों को सेम रखे तो रैंडमाइजेशन को मैचिंग से दोनों ग्रुप को मैच कर दे ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एट्रीब्यूट्स। सो देयर इज ए ऑप्शन। मैचिंग इज बीइंग एम्प्लॉयड इन स्टीड ऑफ रैंडमाइजेशन टू हैव एन अटेम्प्ट अनदर डिजाइन एक्सेप्ट मैचिंग अदर स्टेप्स आर टेकन एज द सेम। मतलब कोई चेंज नहीं करेंगे, बाकी सब वहीं रहेगा, रैंडमाइजेशन को हटा के हम मैचिंग करते हैं इन दिस डिजाइन। इसके कुछ फायदे भी हैं और इसके कुछ नुकसान भी हैं। मतलब इसका इसका भी वो लिमिटेशन हो जाएगा, जो मैचिंग का मेरिट है वो इसका लिमिटेशन हो जाएगा रैंडमाइजेशन। कैसे, लेट्स सी। इन दिस डिजाइन सब्जेक्ट्स इन द टू ग्रुप्स आर मैच्ड ऑन ए लिस्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। हमने वही कहा कि कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे दोनों को मैच कर दैट माइट अफेक्ट द आउटकम ऑफ द रिसर्च। मतलब रिसर्चर ये जानता है, मानता है, अनुभवी रिसर्चर है कि इन इन एट्रीब्यूट्स की वजह से यदि हम ग्रुप को मैच नहीं करते हैं, सिर्फ रैंडमाइज करते हैं, देन द रिजल्ट मे बी अफेक्टेड। सो माइट अफेक्ट द आउटकम ऑफ द रिसर्च एंड वॉट आर दोज वेरिएबल्स, वॉट आर दोज कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज जेंडर, दैट इज रेस, दैट इज इनकम। अब ये रिसर्चर समझेगा कि वेदर दीज आर इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स दैट कैन इन्फ्लुएंस द रिसर्च डिजाइन और इट्स इम्पैक्ट और नॉट। तो वो इसके ये है कि ये यदि हम मैचिंग कर देते हैं इंस्टीड ऑफ रैंडमाइजेशन तो संभव है कि कुछ चीज़ों को हम न्यूट्रलाइज करें, बट दैट इज अ स्पेसिफिक दैट हैज़ टू बी डिसाइडेड बाय द रिसर्चर इन द लाइट ऑफ द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम अंडर इन्वेस्टिगेशन। सो दिस मे बी चीपर, एक तो थोड़ा सा रैंडमाइजेशन में टाइम ज़्यादा लगेगा, कॉस्ट भी थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। तो ये कह रहा है कि दिस मे बी चीपर बट मैचिंग ऑन मोर देन थ्री और फोर कैरेक्टरिस्टिक्स इज वेरी डिफिकल्ट। अब मैच करते करते कंडीशन सारे को आप यदि परमुटेशन कम्बिनेशन से मिलाएंगे तो सबको मैच करना भी कठिन होते चला जाएगा। तो ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स पे हम लोग मैच नहीं कर सकते हैं, ये मैचिंग का लिमिटेशन है। एंड इफ द रिसर्चर डज नॉट नो व्हिच कैरेक्टरिस्टिक्स टू मैच ऑन, दिस कॉम्प्रोमाइजेस इंटरनल वैलिडिटी। हाँ, ये पता होना चाहिए कि किस एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स पे हमको मैच करना है, और यदि रिसर्चर को पता ही नहीं है तब तो फिर इंटरनल वैलिडिटी इसकी गड़बड़ा जाए। सो एट द एंड ए दिस इज इम्पोर्टेंट, वी आर कंक्लूडिंग दी। सो हम पूरा नहीं लिखेंगे, कंट्रोल ग्रुप पोस्ट टेस्ट, पोस्ट
उस टेस्ट स्कोर्स, और ऑब्वियस है कि इसका कंट्रोल ग्रुप प्री टेस्ट स्कोर्स। एक वैल्यू तो ये आएगा सपोज जिसको भी हम कुछ नाम दे दें। दूसरा कि इसको आप ऐसा करिए कि ये कर दीजिए कंट्रोल, यहां भी है कंट्रोल ग्रुप डिफरेंस। ऑब्वियस है कि y2 माइनस y1 इज द डिफरेंस दैट हैज कॉस्ट, सॉरी यहां दैट हैज कॉस्ट इन कंट्रोल ग्रुप। तो ये भी हमको ध्यान में रखना है, कंट्रोल ग्रुप डिफरेंस जो आया दैट इज दिस y2 माइनस दिस। यदि आप ऐसा करिए, यहां भी कर दीजिए कि यहां e1 कर दीजिए, यहां ye कर दीजिए, तो समझने में और होगी, दैट यू कैन डू। तो ये मतलब ये जो हुआ, सो द डिफरेंस बिटवीन y2c माइनस y1c, एक तो ये हो गया। तो ये कंट्रोल का डिफरेंस आ गया, मतलब शुरू में जो उसका था और बाद में इस बीच में, हालांकि उसको ट्रीटमेंट नहीं किया है फिर भी कोई डिफरेंस है कि नहीं उसको भी हम लोग मेजर करें। और दूसरा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पोस्ट टेस्ट स्कोर्स माइनस एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पोस्ट टेस्ट स्कोर। तो ये क्या आ जाएगा, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप डिफरेंस। अब ये दो डिफरेंस आपके पास आ गए, यदि आप इसको कोई भी एक नाम दे दें, फाइनल वाई ही यदि मान लें, तो इसको यदि हम वाई सी कर दें और इसको यदि वाई कर दें, मतलब ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का डिफरेंस वाई और कंट्रोल ग्रुप का डिफरेंस वाई सी। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप डिफरेंस माइनस कंट्रोल ग्रुप डिफरेंस इज इक्वल टू डिफरेंस एट्रीब्यूट्स टू द ट्रीटमेंट। मतलब जो हमारा रिजल्ट आया यहां, इसको आप समझे, ये दिस इज योर फाइनल रिजल्ट, दिस इज द इफेक्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। मतलब कि हमने शुरू में भी आपको बताया कि इस दोनों का डिफरेंस, इस दोनों का डिफरेंस और फिर उसका डिफरेंस, दैट इज द इफेक्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। सो यू हैव अंडरस्टूड, नाउ द डिजाइन इज ओवर, नाउ वी शैल टॉक ऑन अदर रिलेटेड एस्पेक्ट व्हिच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड और टू राइट द मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ अदर डिजाइन एज वेल। एक तो टाइम है, सिंप्लिसिटी है, इकोनॉमी है, उसका जो इंटरनल वैलिडिटी है, दीज आर द पैरामीटर्स ऑफ द बेसिस ऑफ विच वी कैन राइट द मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ एनी डिजाइन। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट एवरी डिजाइन हैज इट्स मेरिट एंड एवरी डिजाइन हैज इट्स लिमिटेशंस। जैसे अभी हम मैचिंग की बात कर रहे थे, मैचिंग करेंगे तो उसके क्या फायदे होंगे और फिर उसमें कठिनाई क्या है। सो दिस डिजाइन फॉलोज ऑल द सम स्टेप्स एज द क्लासिकल प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन एक्सेप्ट दैट इट ओमिट्स प्री टेस्ट। अच्छा ये दूसरे डिजाइन का है, इसको हमको नहीं करना है। प्री टेस्ट मेक्स द एक्सपेरिमेंटल कॉस्टली एंड टाइम टेकिंग। तो फिर दी डिजाइन फॉलोज ऑल द सेम स्टेप्स इन द क्लासिकल प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन एक्सेप्ट दैट इट ओमिट्स प्री टेस्ट। फिर छोड़िए, वो दूसरे मैचिंग की बात हो रही है। प्री टेस्ट मेक्स द एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंट कॉस्टली एंड टाइम टेकिंग, इसलिए कि यदि साइकोलॉजी के कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें एपरेटस का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, हर इंडिविजुअल जितने भी आपने ग्रुप बनाए हैं सबको एपरेटस प्रोवाइड कराना है, स्पेस प्रोवाइड कराना है, देन ऑब्वियसली कि इसमें टाइम भी लगेगा। और फिर फॉर लार्ज ग्रुप देयर मे गुड इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी, मतलब इस यदि ग्रुप लार्ज है तब तो इसकी एक्सटर्नल इंटरनल वैलिडिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। For a small group, pre-test is necessary. Pre-test also helps to know the exact amount of change attributable to the independent variable alone. खैर यदि
ग्रुप बड़ा है तो ये कह रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि प्रीटेस्ट नहीं करे, हालांकि ये इस डिजाइन का पार्ट नहीं है। इन टर्म्स ऑफ दिस डिजाइन वी आर टॉकिंग सम अदर डिजाइन। यदि हम प्रीटेस्ट नहीं लिए जैसे मैचिंग में था, तो मैचिंग में क्या करेंगे? प्रीटेस्ट यदि लेना है तो फिर ग्रुप बड़ा है तो नहीं भी लें तो काम चलेगा, लेकिन यदि छोटा ग्रुप है तो ऑब्वियस है कि वैसे भी आप जानते हैं कि स्टैटिस्टिक्स में और एक्सपेरिमेंट एन लार्जर एन का अपना इंपॉर्टेंस है। फॉर मेनी ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स प्रीटेस्ट पोस्टेस्ट डिजाइन्स आर दी प्रीफर्ड मेथड टू कंपेयर पार्टिसिपेंट ग्रुप्स एंड दी मेजर्स द डिग्री ऑफ चेंज अकरिंग इन ए रिजल्ट ऑफ ट्रीटमेंट और इंटरवेंशन। मतलब ये एक प्रिफरेबल डिजाइन है, इसीलिए इसका नाम हमने देखा था क्लासिकल। प्रीटेस्ट पोस्टेस्ट डिजाइन ग्रू फ्रॉम दी सिंपलर पोस्टेस्ट ओनली डिजाइन। हम लोग पोस्टेस्ट ओनली डिजाइन जस्ट पहले हम लोगों ने कंक्लूड किया है, तो ये इम्प्रूवमेंट ओवर दैट पर्टिकुलर डिजाइन है विच एड्रेस सम ऑफ द इशूज असाइनिंग विद द असाइनमेंट बायस एंड द एलोकेशन ऑफ पार्टिसिपेशन पार्टिसिपेंट टू ग्रुप्स, उसका थोड़ा इम्प्रूवमेंट है। सपोज वी वांट टू मोनिटर द इफेक्ट ऑफ न्यू टीचिंग मेथड अपॉन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। अदर एरियाज इंक्लूड इवेल्युएटिंग द इफेक्ट्स ऑफ काउंसिलिंग टेस्टिंग मेडिकल ट्रीटमेंट्स एंड मेजरिंग साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट्स। द ओनली स्टिपुलेशन इज दैट द सब्जेक्ट मस्ट बी रैंडमली असाइंड टू ग्रुप्स इन अ ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन टू प्रॉपरली आइसोलेट एंड नलीफाई एनी न्यूसेंस और कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स। क्योंकि ये रैंडमाइजेशन हो या प्रीटेस्ट हो, इससे हम लोग ये एश्योर करते हैं कि दोनों ग्रुप सेम है, दैट इज देयर इन दिस पर्टिकुलर डिजाइन एंड इट इज इट्स स्ट्रेंथ यू कैन से। देयर आर सम प्रॉब्लम्स, नाउ कम टू द प्रॉब्लम, देयर आर सम प्रॉब्लम्स विद द प्रीटेस्ट पोस्टेस्ट डिजाइन एज इट इम्प्रूव्स इंटरनल वैलिडिटी बट सेक्रीफाइसेज एक्सटर्नल वैलिडिटी। वैसे भी हम लोगों ने शुरू में ही पढ़ा है कि जितने भी एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है, उसमें एक्सटर्नल वैलिडिटी इज सब्जेक्ट टू क्वेश्चन मार्क। ये इसमें भी देर इज नो वे ऑफ जजिंग वेदर द प्रोसेस ऑफ प्रीटेस्ट एक्चुअली इन्फ्लुएंस्ड द रिजल्ट बिकॉज देर इज नो बेसलाइन मेजरमेंट अगेंस्ट ग्रुप्स That remained completely untreated। मतलब ये कह रहा है कि यहां हम लोगों ने डिफरेंस नहीं देखा है, मतलब ये दोनों के बीच में हो सकता है कि बिगनिंग में ही कोई डिफरेंस रहा, सो इट्स लिमिटेशन। इट इज इम्पॉसिबल एंड अनइथिकल टू आइसोलेट ऑल द पार्टिसिपेंट्स कंप्लीटली। ये तो किसी भी रेंडमाइज डिजाइन में है, क्योंकि अब स्कूल में जितने बच्चे हैं, अब कितने को लेना है आपको, कहाँ कहाँ से लेना है, तो ये रैंडमाइजेशन के जहाँ भी है वहाँ एक समस्या है। और एथिकल इशू भी बहुत लोग उठाते हैं, किसको छोड़ें किसको लें। इफ टू ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन अटेंड द सेम स्कूल इट इज यहाँ एग्जाम्पल मेक यू एबल टू अंडरस्टैंड। If two groups of children attend the same school, it is reasonable to assume that they mix outside of classrooms and share ideas, potentially contaminating the results। मतलब experimental group का हो या control group का हो, the experimental group का आप treatment दे रहे हैं, ये एक ही school के बच्चे हैं, तो outside the experiment तो बात करते हैं वो कि हमारे में ये हुआ, हमने ये सीखा, हमने वो सीखा, तो इस तरह इशारा कर रहा है, एंड दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। फिर दूसरा उपाय है, लेकिन फिर उसमें भी कठिनाई है। देखें, सो शेयर आइडियाज एंड आइडिया शेयर कर रहा है, इसका मतलब उनकी भी लर्निंग फैसिलिटेट हो रही है, उन अचीवमेंट को जरूर है कि उनकी लर्निंग जो एक्सपेरिमेंट की वजह से नहीं है, फिर भी लर्निंग तो हो रही है। ऑन द अदर हैंड If the children are drawn from different schools to prevent this, the chance of selection bias arises। हम ये भी कर सकते हैं कि स्कूल का नहीं रखें, एक ग्रुप में एक स्कूल का, दूसरे ग्रुप का, उसमें भी फिर तीसरे तरह की समस्या है।
बिकॉज रेंडमाइजेशन इज नॉट पॉसिबल। दो ग्रुप में ले रहे हैं इसका मतलब है कि सेलेक्टिव हो गए, तीन स्कूल से लिया और सेलेक्टिव हो गए, तो उसको हम लोग टेक्निकल भाषा में कहते हैं सिलेक्शन बायस। बिकॉज रेंडमाइजेशन इज नॉट पॉसिबल इन दिस कंडीशन, और कहीं ना कहीं आप अंडरमाइन करते हैं रेंडमाइजेशन। द ट्रू ग्रुप कंट्रोल ग्रुप डिजाइन इज एन एक्सेप्शनली यूजफुल रिसर्च मेथड, बहुत सबसे ज्यादा यूज होने वाले में से एक है। एज लॉन्ग एज इट्स लिमिटेशंस आर फुल्ली अंडरस्टूड, उसके लिमिटेशंस को मैनेज करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। एरर इज इनहिबिटेबल, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर की जो स्टडी कर रहे हैं उसमें अभी हमने एग्जाम्पल दिया कि स्कूल में मिक्सिंग होगा, आउटसाइड द स्कूल मिक्सिंग होगा, या फिर ऐसा भी बच्चा कर सकता है कि अच्छा तुम उस स्कूल में, तुम लोगों को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, हम लोगों को तो कुछ नहीं दिया जा रहा है, क्या क्या बताया गया, तो फोन से भी कॉल कर सकता है, तो बहुत सारा ये एक्सेस जो इंफॉर्मेशन है दैट हैज बिकम इजी, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन ये कि एक डिजाइन की जिसकी चर्चा हम नहीं करेंगे अभी, बाद में कर सकते हैं। फॉर एक्सटेंसिव एंड पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट रिसर्च मेनी रिसर्चर यूज दी, एक नाम है ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, हो सकता है हम लोग सोलोमून, ये इन्होंने इस डिजाइन के वीकनेस को, और एक और जो पहले हम लोगों ने कंट्रोल पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिजाइन पढ़ा था, दोनों को मिला के एक सोलोमन ने फोर ग्रुप मेथड्स डेवलप किए। सो इट्स एट अनदर डिजाइन विच वी कैन टॉक इन नेक्स्ट लेक्चर्स एंड अदर पार्ट्स, दो इट इज नॉट मेंशन्ड इन द करिकुलम ऑफ पटना यूनिवर्सिटी एमएड प्रोग्राम, यूनिवर्सिटी के एमएड प्रोग्राम में ये नहीं है। फॉर एक्सटेंसिव एंड पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट रिसर्च मेनी रिसर्चर यूज द सोलोमन फोर ग्रुप मेथड्स। अब यहाँ दो ग्रुप हम लोगों ने दिया, वहां यहाँ यहाँ इसका भी दो एक सब्टीट्यूट, इसका भी एक सब्टीट्यूट है, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। सो सोलोमन फोर ग्रुप मेथड्स इज एन इंप्रूवमेंट ओवर दिस डिजाइन, एंड इट इज पोस्ट टेस्ट वाला जो हम लोगों ने लिया था पोस्ट टेस्ट ओनली, दोनों का मिक्सचर है एक तरह से, जब हम लोग उसको डिस्कस करेंगे देन वी शैल बी एबल टू नो अबाउट इट। सो ए डिजाइन दैट इज मोर कॉस्टली, ऑब्वियस है कि कॉस्ट बढ़ जाएगा क्योंकि ग्रुप की संख्या बढ़ जाएगी, बट अवॉइड्स मेनी वीकनेसेस ऑफ द सिंपल प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन। मतलब ये जो सोलोमन फोर ग्रुप डिजाइन है वो इस डिजाइन के बहुत सारे जिसको हमने डिस्कस भी किया वीकनेसेस को इम्प्रूव करता है, लेकिन चूंकि उसमें इंस्टीड ऑफ टू ग्रुप्स यू हैव टू टेक फोर ग्रुप्स, तो कॉस्ट बढ़ेगा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा, और फिर बहुत सारे और वेरिएबल्स को मैनेज करना पड़ेगा। सो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट डिजाइन वी हैव डिस्कस्ड एंड इन द बिगनिंग वी कुड अंडरस्टैंड दिस इज मोर इम्पोर्टेंट, एंड ये चीज़ आप याद रखें कि ऐसा नहीं है कि हम यहाँ इक्वेट कर रहे हैं। हाँ इक्वेट हम कर रहे हैं, ये क्लेम कर रहे हैं कि हम इक्वेट कर रहे हैं, लेकिन दिस इज नॉट ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, ये इसके और इसके बीच का डिफरेंस और इसके इसके बीच के डिफरेंस के डिफरेंस को हम मेजर करते हैं, दैट यू हैव टू रिकॉल एंड रिमेम्बर। इम्प्रूवमेंट है बहुत सारे डिजाइन पे, लेकिन ऑब्वियस है कि कॉस्ट भी है। हमने इसी क्रम में मैच की भी बात कर ली कि रेंडमाइजेशन को हटा के बहुत लोग मैच करते हैं, सो द डिजाइन विल चेंज, और यदि मैचिंग है तो उसके कुछ फायदे हैं, उसके अपने कुछ नुकसान हैं। सो मेरिट्स एंड लिमिटेशंस में इसका सबसे बड़ा है कि ये कोई ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है, इसमें हम लोग रेंडमाइजेशन भी कर रहे हैं, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट भी कर रहे हैं, तो और बाकी कंट्रोल पे भी ध्यान रख रहे हैं, लेकिन दूसरे डिजाइन की तुलना में सिंपल नहीं है। जो नया रिसर्चर है उसको करने में कठिनाई हो सकती है, तो फायदे और नुकसान इसके रिलेटिव हैं, मेरिट्स एंड लिमिटेशंस इसके रिलेटिव है, दैट यू हैव टू अंडरस्टूड एंड हैव टू मेंशन अलोंग विथ सम एग्जांपल्स, बिकॉज मेरिट्स एंड लिमिटेशन इज ऑलवेज कॉन्टेक्चुअल। यदि कॉस्टली है तो किसकी तुलना में, यदि टाइम टेकिंग है तो किसकी तुलना में,
दैट मस्ट बी मेंशन, अदरवाइज तो किसी हर डिजाइन में आप लिख सकते हैं इट इज कॉस्ट इफेक्टिव, नीचे लिख सकते हैं इट इज कॉस्टली. सो दिस द पॉइंट इज वेरी रिलेटिव. सो दिस इज ऑल अबाउट पी टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन विच इज ऑल्सो नोन एज क्लासिकल कंट्रोल एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, और ये रैंडमाइज प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन. तो तीन नाम इसके हमने किए, इसके मेरिट एंड लिमिटेशंस. और बेसिक स्टेप में स्टेप वन समझने के लिए स्टेप टू स्टेप थ्री एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली द स्टेप थर्ड द लास्ट दैट इज सी. सो दिस इज द आउटकम. मतलब ये है कि कंट्रोल ग्रुप के डिफरेंस और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के डिफरेंस का डिफरेंस ट्रीटमेंट का इफेक्ट है. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन.